ही ओ लेट्स गो बीटेक कॉमर्स वाला। सो यार चलिए आपको 6 स्किल बैच का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं 5 या 7 मिनट के अंदर। ये 5 स्किल बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो यार अपना नेक्स्ट स्किल बैच है वो है ये वाला, तो इस पर क्लिक करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना। पहला, ये इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यार ये अपना स्किल बैच है एंड यहाँ पे ये पर्टिकुलर फोल्डर है जिसके अंदर तीनों फाइल के कोड आपको मिल जाएंगे। तीन फाइल क्यों? क्योंकि लैब तो चार हैं। इनमें से ये जो पहली वाली लैब है क्लाउड फंक्शन क्विक स्टार्ट कंसोल, इसका सॉल्यूशन मैं आपको फोर्थ स्किल बैच में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये अपना फोर्थ स्किल बैच था एपीआई गेटवे का, और इसमें ये थर्ड वाली जो लैब थी यही अपनी आज के स्किल बैच में फर्स्ट वाली लैब है। तो इसका सॉल्यूशन फोर्थ स्किल बैच में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चलते हैं अपनी सेकंड लैब पे। तो यार ये अपनी लैब है और यहाँ पे कमांड्स हैं जो हम लोग को रन करने हैं। अब देखो ये पर्टिकुलर लैब तुम कमांड से भी कर सकते हो और कमांड रन करने में 1 ही मिनट लगेगा, बट यार जो कमांड रन होते हैं वो 5 से 10 मिनट तक रन होते रहते हैं। तो बेटर सॉल्यूशन इसका ये है कि जो इन्होंने कमांड्स प्रोवाइड करें उससे लैब को कर लो। जैसे मैं लैब को कर रहा हूँ, इससे करोगे तो आपको 1-2 मिनट में लैब कम्प्लीट हो जाएगी, बट अगर आप ये कमांड्स को रन करेंगे तो कमांड्स 5 से 10 मिनट तक रन होते रहते हैं, तो काफी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए पहले वाले तरीके से लैब को करते हैं। लैब को स्टार्ट करना, पासवर्ड कॉपी करके ओपन गूगल क्लाउड कंसोल पर क्लिक करना, इंटर करना, पेस्ट करना, इंटर करना। और ये कंसोल का सेटअप बाकी सारी लैब में सेम है, आपको ऐसे ही करना है। इसको अंडरस्टैंड कर देना और इसको एग्री करके एग्रीइंग कंटिन्यू कर देना। आपका कंसोल सेटअप हो गया। अब यहाँ पे क्लाउड सेल पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट करना। ये अपना फर्स्ट टास्क है जिसमें हम लोग को फंक्शन को क्रिएट करना है, फिर उसको डिप्लॉय करना है। इसको कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ से जो पहला कमांड है रीजन को सेट करने का, इसको कॉपी करेंगे। कंसोल सेटअप हो गया, पहले कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना, सेकंड को कॉपी करेंगे, पेस्ट करना, इंटर करना, एंड देन थर्ड कमांड को कॉपी करना, index.js फाइल को ओपन करेंगे। ऐसे ओपन हो गई, ठीक है, नैनो एडिटर में index.js फाइल ओपन हुई। अब इसमें इस कोड को ऐड करना है, तो इसको कॉपी करना और फिर कमांड वी से, या अगर आपके पास विंडोज हो तो कंट्रोल वी से कोड को पेस्ट करना। अब कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स ये मैं यूज करता हूँ, बाकी इन्होंने तुमको दूसरे कमांड्स दिए हैं, इनका भी तुम यूज कर सकते हो, इससे भी एग्जिट हो जाएगा आपका नैनो एडिटर, बट मेरे कमांड से करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। अब यार ऐसे ही एक package.json फाइल को बनाना है, तो जैसे पहले लिखा था वैसे ही इसको लिख लेते हैं और इंटर दबाना। फिर इस कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करना, सेम मैं कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स से वापस जाऊंगा, आप जो इनके कमांड्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। और फिर npm को इंस्टॉल करना है, पैकेज मैनेजर होता है ये, पेस्ट करना, इंटर करना, npm आपका इंस्टॉल होने लगा। अब बस इस कमांड कॉपी करना है अपने फंक्शन को डिप्लॉय करने के लिए और आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा, पेस्ट करना, इंटर करना, ऑथराइज के लिए कहे तो ऑथराइज कर देना। अब अगर ये यस नो कहे तो इसको n लिखना, यस मत लिखना, n लिख के इंटर दबाना, बस आपका क्लाउड फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। और जैसे क्रिएट हो जाएगा आपकी लैब कम्प्लीट हो जाएगी, ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा। सो यार 2 मिनट में क्लाउड फंक्शन क्रिएट हो गया अपना। अब ये जो टास्क है, एक ही टास्क है, इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेना, डन। यहाँ देख सकते हैं आप 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। लैब को एंड करते हैं, अब चलते हैं अपनी थर्ड लैब पर। और अकाउंट यहाँ से हटा देना अगर उसी ब्राउजर में काम कर रहे हो तो, थोड़ा आसानी हो जाती है। अब लैब को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे में दिखा रहा है कि मेरा लैब कोटा खत्म होने वाला है। एक लैब को स्टार्टिंग में तुम सिर्फ 5 बार कर सकते हो, तो मैं 4 बार कर चुका हूँ, ये मेरा 5वां टर्म होगा, ये मैं 5वीं बार करूंगा इस पर्टिकुलर लैब। इससे ज्यादा बार अगर मैं इस पर्टिकुलर लैब को करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे चैट सपोर्ट में जाके इनसे कहूंगा प्लीज रिमूव द कोटा फॉर दिस पर्टिकुलर लैब, तो वो रिमूव कर देंगे, फिर आप जितनी बार करना चाहें उतनी बार आप कर सकते हैं। आप कंसोल को सेटअप करो, फिर मिलते हैं। ये अपनी लैब है जो फाइल का कोड हम लोग यूज करेंगे। कंसोल मैंने सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करना IAM एडमिन में जाके ऑडिट लॉक्स पर जाना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कंप्यूट इंजन API को सर्च करना है और उसमें कुछ एक्सेस देना है। क्या मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंप्यूट इंजन API ये आ गया, इस पर क्लिक करना, फिर इसको यहाँ सेलेक्ट करना, फिर एडमिन रीड, डेटा रीड, डेटा राइट तीनों एक्सेस देके सेव कर लेना। ये काम हो गया, ये पहली चीज आपको करनी थी। फिर रीजन का इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, तो ये कमांड को कॉपी करना और एज यूजुअल अपना क्लाउड सेल एक्टिवेट करना। क्लाउड सेल एक्टिवेट हो गया, अब इस कमांड को पेस्ट करना। एंड अगर तुमको कभी जोन ना मिला करे तो तुम कंट्रोल एफ करके जोन लिख सकते हो तो तुम्हें दिख जाएगा। मेरे केस में US सेंट्रल 1 है जो मुझे यूज करना है, आपके में कुछ और होगा, उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, बस आपका काम हो गया। अब ये दोनों कमांड को एक एक करके आपको रन करना है। पहले वाले को यहाँ से कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, फिर इसको ऑथराइज कर देना। अब इस कमांड को रन होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे यार, थोड़ी देर वेट करना। सो यार ये टास्क कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे एक एरर आया है। ये एरर क्यों आया है? क्योंकि मेरा क्लाउड सेल डीएक्टिवेट हो गया था, क्योंकि इस कमांड को रन होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो मैं लैपटॉप छोड़ के चला गया था वीडियो को बंद करके। फिर मैंने सोचा था यहाँ से वीडियो नहीं कंटिन्यू करेंगे, बट क्योंकि मेरा क्लाउड सेल डीएक्टिवेट हो गया, मैंने उसको एक्टिवेट किया तो इसमें एरर आ गया, क्योंकि वो पूरी तरह से रन नहीं हो पाया। आपके में अगर रन हो जाएगा तो ये टास्क कंप्लीट होगा, बाकी रन हो या ना हो
आपके 6 टास्क तक कंप्लीट हो गया होगा। अगर हम लोग चलें अपने अकाउंट में तो आप देख सकते हैं मुझे 80 पॉइंट्स मिल चुके हैं। देखो ये 6 टास्क तक सारे हो गए, बस ये आखिरी वाला बचा है। तो अगर एरर आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों केस में पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, बट बेटर रहेगा अगर ये डीएक्टिवेट ना हो। तो पहला वाला कमांड रन किया, 6 टास्क आपके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे और अपने सेकंड कमांड को हम लोग कॉपी करते हैं और उससे यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करते हैं। ये जल्दी रन हो जाएगा और जैसे ही रन होगा उसके बाद एक चीज़ और करनी है, फिर आपका लास्ट कमांड भी मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो जाएगा। अब यार देखो सेकंड वाले कमांड में भी एरर आया है, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो लिंक जनरेट हुई है इस पर क्लिक करना और क्लिक होने के बाद आप यहां पर आ जाएंगे। जैसे यहां पे आओगे ऐसा कुछ दिखेगा, क्लाउड रन में है ये और बस इसको आपको डिप्लॉय करना है। और अगर ये डिप्लॉय हो गया तो फिर आपका लास्ट वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यार आप देख सकते हैं कि पहला वाला डिप्लॉय हुआ था, उसके बाद के दोनों डिप्लॉय नहीं हुए हैं, बट अगर पहला वाला हुआ तब भी अपना काम हो जाना चाहिए। अगर मैं यहां पे जाऊंगा अपने यहां पे लास्ट वाले टास्क में तो इसको चेक में प्रोग्रेस कराते हैं तो ये हो गया है। ठीक है, आई नो ये सॉल्यूशन बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला नहीं है कि सब कुछ एरर नहीं आना चाहिए, सब कुछ सही से होना चाहिए, वैसे भी हो सकता है, बट उसके लिए फिर हम लोग को स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, बाकी इसमें भी आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत जल्द मैं एक अपडेटेड सॉल्यूशन भी इसके ऊपर डालूंगा जिसमें आपके एरर भी नहीं आएंगे। तो यार ये अपनी थर्ड लैब का सॉल्यूशन था, आप चलते हैं अपनी फोर्थ लैब पर। लास्ट चैनल लैब है, लैब को स्टार्ट करना और इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है। ये अपनी फाइल है जहां से हम लोग कोड मिलेगा, ऐसा कुछ कोड है। अब लैब स्टार्ट हो गई है, पासवर्ड कॉपी करके कंसोल को अपना सेटअप करना, कंसोल सेटअप हो गया। अब क्लाउड सेल पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट करते हैं। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज है, एक HTTP फंक्शन नेम, एक क्लाउड स्टोरेज का नेम और एक आपका रीजन। इन तीनों के हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो पहले यहाँ पे पहले वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल की कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद जो आपके में नेम हो, मेरे केस में ये, आपके में कुछ और हो सकता है, पेस्ट करना, एंटर करना। ऐसे ही तीनों के साथ करना, यहाँ से नेम कॉपी करना, पेस्ट, इंटर। देन रीजन का कॉपी करेंगे, पेस्ट करना, और मेरे केस में ये रीजन है, आपके में कुछ और हो सकता है, नेम को कॉपी करना, पेस्ट, इंटर। बस आपका काम हो गया। अब जो ये लास्ट कमांड है इसको ध्यान से कॉपी करके पेस्ट करना, इंटर करना, इसको ऑथराइज कर देना। और ऑथराइज करने के बाद बस 1-2 मिनट में कमांड रन हो जाएगा और आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। सो यार हम लोग का टास्क रन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो अपने टास्क है उनको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं। पहले वाला ऑटोमेटिकली हो चुका है, सेकंड करवा लेते हैं और थर्ड, सेकंड डन, थर्ड ऑल्सो डन हो गया। तो 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये अपनी स्किल बैच का सोल्यूशन था। अगर पसंद आया वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।